हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। देखिए, हम लोग पढ़ रहे हैं ह्यूमन फिजियोलॉजी। चूंकि कोई भी चीज़ जब हमसे रिलेट करती भी होती है तो हम उसको और अच्छे तरीके से समझ जाते हैं और अच्छे से पढ़ने में भी उसको बड़ा मजा आता है, राइट। तो देखिए, डाइजेशन हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है और आज हम करेंगे ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस, कि हम कैसे ऑक्सीजन को अंदर लेते हैं और कैसे हम कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं और ये प्रोसेस क्यों होता है, क्या रीजन है इसके पीछे, उसके बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहली चीज रेस्पिरेशन क्या होता है, ये आपको पता होना चाहिए। तो रेस्पिरेशन क्या है? ऑक्सीजन का अंदर लेना और कार्बन डाइऑक्साइड का बाहर निकाला, दैट इज ब्रीदिंग, विच इज ऑल्सो पार्ट ऑफ रेस्पिरेशन। एंड उसके साथ में ये ऑक्सीजन हमने क्यों ली है, क्योंकि ये ऑक्सीजन हमारी बॉडी के अंदर हमारी सेल्स में जाकर वहां में सेल्स में प्रेजेंट ग्लूकोज जो है उसका ब्रेक डाउन करवाएगी, जिससे एनर्जी रिलीज होगी। उस एनर्जी का यूटिलाइज हमारी पूरी बॉडी करती है। एंड जो कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है उसको, क्योंकि वो एकदम वेस्ट गैस है, उसको हम क्या करते हैं, बाहर निकाल देते हैं थ्रू एक्सपीरेशन प्रोसेस, राइट। इसको हम कहते हैं रेस्पिरेशन, राइट। अभी आपके दिमाग में क्लियर पिक्चर हुई, ब्रीदिंग प्लस हमारी सेल में होने वाले ग्लूकोज के ब्रेक डाउन को, जिससे क्या निकलती है, CO2 एंड एनर्जी, इसको हम बोलते हैं सेलुलर रेस्पिरेशन। तो इन दोनों को कंबाइंडली हम क्या कह सकते हैं, रेस्पिरेशन बोल सकते हैं। देखिए, बहुत ही मजा आने वाला है, बहुत ही छोटा सा और क्यूट सा टॉपिक है ये, फटाफट से हम लोग कर लेंगे। तो रेस्पिरेशन आपको समझ में आया। अभी देखिए, ये एक्सचेंज ऐसे ही नहीं हो सकता, क्योंकि केवल प्रेशर लगाने से सिर्फ ऑक्सीजन ही अंदर जाए जरूरी है क्या भाई? जरूरी तो नहीं है, क्योंकि हमारे एनवायरमेंट में, एटमॉस्फेयर में तो बहुत सारी गैसेस हैं, ऑक्सीजन भी है, कार्बन डाइऑक्साइड भी है, बहुत सारी अनदर CO2, बहुत सारी नाइट्रोजन और भी गैसेस हैं, लेकिन ऑक्सीजन ही क्यों जाती है? क्योंकि इसमें मेन फंडा जो काम करता है वो काम करता है पार्शियल प्रेशर। यानी कि गैस का पार्शियल प्रेशर क्या है, हमारे आउटर एनवायरमेंट यानी कि एटमॉस्फेयर और हमारी सेल्स के बीच, यानी कि कोई ना कोई ऐसा प्लेटफॉर्म होना पड़ेगा, कोई ऐसी डेडलाइन होगी जहां पर ये एक्सचेंज हम नापते होंगे, राइट। ये पार्शियल प्रेशर को हम नापते होंगे, यानी कि वो सरफेस जहां पर ये एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है, जहां पे ये पार्शियल प्रेशर जो है उसको हम नोट करते हैं कि कितना उस गैस का वहां पे प्रेशर है। प्रेशर की वजह से ही तो डिफ्यूजन होता है कि नहीं होता है। डिफ्यूजन का मतलब क्या हो गया? डिफ्यूजन का मतलब होता है कोई भी अगर मॉलिक्यूल है वो अपनी हायर कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव करता है, उसको हम डिफ्यूजन बोलते हैं। तो वही उस पार्शियल प्रेशर को, यानी उसके उसको हम कहां नोट करते हैं, किसी एक सरफेस पे। तो उस सरफेस को जो हमारे अंदर प्रेजेंट है उसको हम बोलते हैं रेस्पिरेटरी सरफेस। तो ह्यूमंस के अंदर रेस्पिरेटरी सरफेस क्या है? नाउ द क्वेश्चन, आंसर क्या होना चाहिए आपका? एल्वियोली, ये सैक लाइक स्ट्रक्चर जो कि एंड पॉइंट होता है किसका, हमारे अंदर प्रेजेंट हमारे लंग्स के अंदर, उसका टर्मिनल पॉइंट है। ये बटन जैसी संरचनाएं होती हैं जो जहां पर जिसपे क्या होती है, जो स्क्वेमस एपिथीलियम की बनी होती है, राइट, इसको हम बोलते हैं रेस्पिरेटरी सरफेस। और रेस्पिरेटरी सरफेस जो है इस पर हमारी ब्लड कैपिलरीज जो है वो भी इस प्रकार से फैली रहती है। तो रेस्पिरेटरी सरफेस का होना जरूरी है हमारे अंदर। वो रेस्पिरेटरी सरफेस क्या है? लंग्स के अंदर प्रेजेंट उसका टर्मिनल पॉइंट यानी एल्वियोली होती है वो रेस्पिरेटरी सरफेस। बट ये एक्सचेंज ऑफ गैसेस जो है, जो ये ब्रीदिंग है, ये अलग अलग एनिमल्स में, कि वो किस तरह का एनिमल है, वो हायर है या फिर वो लोअर है, तो उनमें अलग अलग तरीके से ये होता है। तो वो कैसे कैसे होता है, किस किस में कौन से टाइप है, वो हमें पता होना चाहिए। क्वेश्चंस पूछ लेते हैं, बच्चा क्वेश्चन ऐसे ही पूछते हैं, डायरेक्टली एग्जाम्पल बेसिस में पूछ लेते हैं, तो हमें मैच द कॉलम में पूछ लेते हैं, तो हमें जब तक ये एग्जाम्पल्स याद नहीं होंगे हम उनको कैसे सॉल्व कर पाएंगे। तो चूंकि एनिमल किंगडम में हमने एक बार पढ़ा है, वापस से उसको रिवाइज करते हैं, यहां भी इस टॉपिक के अंदर दिया गया है। देखिए, जो सिंपल होंगे, जिनमें कोई टिश्यू लेवल डिवीजन नहीं हुआ है, ऑर्गन नहीं बने, ऑर्गन सिस्टम नहीं बना है, यानी कि उसके अंदर तो किसी भी किसी ऑर्गन का तो फॉर्म होना है ही नहीं, कोई कंडीशन ही नहीं है, यानी सिंपल सेल ही वहां पे क्या करती होगी, ये रेस्पिरेशन, ये जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस है वो कर लेती होगी, राइट। तो ऐसा एक्सचेंज ऑफ गैसेस जो कि डायरेक्टली सेल्स के थ्रू होता है उसको हम क्या बोलेंगे, सिंपल डिफ्यूजन। तो वो सिंपल डिफ्यूजन जो है वो जो है कहां, किसके अंदर होता है सिंपल डिफ्यूजन? वो होता है लोअर इनवर्टिब्रेट्स में, स्पंजेस के अंदर, सिलेंट्रेट्स के अंदर, प्लेटी हेलमंथीज, फ्लैटवॉर्म्स के अंदर ऐसा होता है। स्पंजेस में तो कोई टिश्यू लेवल डिफरेंशिएशन ही नहीं है ना, उनकी तो हर सेल जो है वो क्या कर लेती है, अगर मैंने ये बना दिया, स्पंज बना दिया, तो इसकी हर सेल ही क्या कर लेगी, ये चेंज जो है गैसेस का कर लेती है। सेम सिलेंट्रेट एंड प्लेटी हेलमंथीज में भी है,
फिर आता है कि कुछ ऐसे भी हमारे हमारे एनिमल्स एनिमल किंगडम में एनिमल्स हैं जिनके अंदर पूरी जितनी भी सेल्स हैं उनकी सभी तो नहीं, लेकिन केवल आउटर लेयर यानी जो स्किन होती है वो क्या करती है, ये एक्सचेंज ऑफ गैसेस कर लेती है। यानी कि देखिए, ये एक्सचेंज ऑफ गैस जो है केवल स्किन के बीच में हो रहा है, बट जो उस स्किन के थ्रू वो ऑक्सीजन जो होती है वो सप्लाई फिर किसके थ्रू होगी, ब्लड के थ्रू होगी। तो ब्लड हमने पहली बार पढ़ना कहां से स्टार्ट किया था, जब हम लोगों ने एनेलिड्स पढ़े थे, एनेलिडा में पढ़ा था, जहां पे आरबीसी तो नहीं होती है बट हीमोग्लोबिन पिगमेंट जो है प्लाज्मा में डिजोल्व रहता है, हीमोग्लोबिन ही तो जो है ऑक्सीजन को बाइंड करता है और सप्लाई करता है बाकी के टिश्यूज को। एनेलिडा में चूंकि वहां पर क्या फॉर्म हो जाते हैं, ऑर्गन सिस्टम जो है वो फॉर्म होना शुरू हो गया है वहां पे इवोल्यूशनरी बेसिस पे, तो वहां पर जो है वो उनकी स्किन जो होती है वो क्या करती है, ये रेस्पिरेशन करती है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस जो होता है स्किन के और एटमॉस्फेयर के बीच में होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, क्यूटेनियस रेस्पिरेशन बोलते हैं। तो एग्जांपल एनेलिडा में से अर्थवर्म एंड लीच एंड एम्फीबियंस, मेंढक को याद करिए, फ्रॉग पढ़ते हैं आप कई बार कि फ्रॉग के अंदर क्या होता है, क्यूटेनियस रेस्पिरेशन भी होता है, ऐसे करके लाइन एनसीईआरटी में मेंशन है, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, पूछते हैं, याद कर लीजिए इसको। चलिए नाउ नेक्स्ट, ट्रेकियल ट्यूब्स, यानी कि ये जो ऑक्सीजन है उसकी सप्लाई टिश्यूज तक होने के ट्यूबुलर स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है, जैसे कि हमारे लंग्स में प्रेजेंट होती है, एल्वियोली टर्मिनल पॉइंट है, बट ट्रेकियल भी तो पार्ट है ना ब्रीदिंग के लिए, अगर हम रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ेंगे तो वहां ट्रेकियल पार्ट भी तो पढ़ेंगे, वैसे ही ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट रहती है, कुछ मिलती जुलती हम बोल सकते हैं प्रिमिटिव टाइप। तो वो ट्रेकियल ट्यूब्स जो होती है वो प्रेजेंट होती है किसमें, अभी देखिए नेक्स्ट, ऑर्थोपोड्स जब हमने पढ़े थे तब हमने बोला था कि वहां दो तरह के ऑर्थोपोड है, एक्वेटिक भी और टेरिस्ट्रियल भी है, तो टेरिस्ट्रियल ट्रेकियल सिस्टम के थ्रू क्या करते हैं, रेस्पिरेशन यानी एक्सचेंज ऑफ गैसेस करते हैं, ब्रीदिंग करते हैं, ठीक है। तो ब्रीदिंग ट्रेकियल ट्यूब्स के थ्रू होती है टेरिस्ट्रियल ऑर्थोपोड्स के अंदर। फिर आ जाते हैं गिल्स, गिल्स जो है वो कौन करेगा, सर जैसे गिल्स वर्ड आता है दिमाग में आती है फिशेस, कॉन्ट्रिक्थीस, ऑस्टिक्थीस, साइक्लोस्टोम, जो ट्रू फिशेस तो नहीं है बट उनमें भी 6 to 15 पेयर ऑफ हमें गिल्स देखने को मिलते हैं, हमने क्लियर कट एनिमल किंगडम में पढ़ा है, राइट। तो वो जो फिशेज है साइक्लोस्टोम्स है उनमें गिल्स प्रेजेंट है, बट कुछ लार्वास भी होते हैं जिनके अंदर, क्योंकि लार्वा जो है उनमें कुछ हम ये बोल सकते हैं कि इवोल्यूशन एडल्ट के अंदर हो सकता है मे बी, जो इवोल्यूशन के बाद में जो हम बोलते हैं जो पर्टिकुलर फिक्स सिस्टम डेवलप हो गया वो प्रेजेंट हो, बट लार्वा में कुछ प्रिमिटिव करेक्टर भी हो सकते हैं, तो जो लार्वास होते हैं उनमें गिल्स के थ्रू रेस्पिरेशन हो सकता है। तो वो एग्जाम्पल के लिए जैसे टेंटपोल जो किसका है, फ्रॉक का लार्वा है, तो उसके अंदर क्या होते हैं, गिल्स प्रेजेंट होते हैं। तो ये कुछ एग्जांपल हैं, और एक्वेटिक ऑर्थोपोड्स, बिल्कुल एक्वेटिक ऑर्थोपोड्स में गिल्स के थ्रू रेस्पिरेशन होता है, तो ये हमने पढ़ा है, ये एग्जैक्टली एनसीईआरटी में भी मेंशन है और ये एग्जांपल सारे हमें मालूम है, तो गिल्स के थ्रू रेस्पिरेशन। एंड द लास्ट वन इज लंग्स, पल्मोनरी रेस्पिरेशन, यानी कि लंग्स के थ्रू ये ब्रीदिंग प्रोसेस होना। अब ये पल्मोनरी शब्द आए तो समझ जाइए बात हम कर रहे हैं रिगार्डिंग विद द लंग्स, ठीक है, किसमें होता है, मोस्ट ऑफ द वर्टिब्रेट्स। मोस्ट ऑफ द वर्टिब्रेट्स का मतलब क्या हो गया कि इसमें से आप साइक्लोस्टोम एंड फिशेस को निकाल दीजिए, बच गए कौन, रेप्टाइल्स, बर्ड्स, एम्फीबियंस एंड मैमलिया यानी मैमल्स, इन सभी में ऐसा होता है। तो डायरेक्टली ऐसे भी लिख सकते हैं, और मोस्ट ऑफ द इसलिए बोला है क्योंकि एक क्लास ही तो निकली है, एक सुपर क्लास निकल गई है, उसके अलावा टेट्रापोडा पूरी क्लास के अंदर क्या हो रहा है, लंग्स के थ्रू पल्मोनरी रेस्पिरेशन हो रहा है, राइट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जांपल, प्लीज इस टेबल को याद करने की कोशिश करिए और आप लोग याद कर लेंगे, मैं जानती हूं कुछ तो अभी याद हो गए होंगे आपको। चलिए नाउ द नेक्स्ट, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, बात करते हैं हमारी कि हमारे अंदर कैसा सिस्टम प्रेजेंट है, तो चलिए फटाफट से डिस्कस करते हैं, मैं टेढ़ी थोड़ी खड़ी हो जाती हूँ आपको बताने के लिए, ये मेरी नोज है। स्टार्ट होता है रेस्पिरेटरी सिस्टम कहाँ से, हमारे एक्सटर्नल नेरिस से, यहां से हम रेस्पिरेशन स्टार्ट करते हैं, ऑक्सीजन अंदर लेते हैं, रेस्पिरेशन का मतलब हम ब्रीदिंग की बात कर रहे हैं अभी, रेस्पिरेशन में तो फिर सारी चीजें आती हैं जिसमें टिश्यूज तक ऑक्सीजन कैसे गई, कार्बन डाइऑक्साइड को कैसे लेके आए और वहां ऑक्सीजन ने कैसे ग्लूकोज का ब्रेक डाउन किया, कार्बन डाइऑक्साइड कैसे रिलीज हुई, वो सब चीजें भी रेस्पिरेशन का ही पार्ट है। बट अभी हम स्टार्ट करते हैं एक्सचेंज ऑफ गैसेस देख रहे हैं अभी कि एक्सचेंज ऑफ गैसेस जो है वो उसके लिए कौन सा सिस्टम है, यानी ब्रीदिंग के लिए कौन सा सिस्टम है। तो देखिए ब्रीदिंग के लिए हमारे अंदर प्रेजेंट होता है वही लंग्स प्रेजेंट होते हैं। लंग्स तक पहुंचने के लिए सबसे पहले ट्यूबुलर स्ट्रक्चर पढ़िए क्या है, एक्सटर्नल नेरिस, यहां से हम ब्रीदिंग करते हैं, ऑक्सीजन अंदर जाती है, देन ये हमारी नेजल कैविटी, ठीक है, तो ये बना देते हैं हम लोग, ये हमारी नेजल कैविटी, और ये नेजल कैविटी इंटरनल नेरिस के थ्रू ओपन होती है वी शेप इस तरह के फेरिंग्स में। फेरिंग्स के लिए खुद के लिए दो हमारे पास में ओपनिंग है, पीछे की तरफ ईसोफेगस, आगे की तरफ ट्रेकिया। तो ये क्या है, वो ट्रेकिया है, ट्यूबुलर स्ट्रक्चर जो हमारे वेंट्रल साइड में प्रेजेंट होती है, ठीक है। तो देखिए ये जो है
ट्रेकिया इसके ऊपर के जो पोर है, जो फेरिंग्स में ओपन होता है, उसको हम बोलते हैं ग्लॉटिस। तो ये है ग्लॉटिस, और ग्लॉटिस के ऊपर एक कार्टिलेजिनस फ्लैप प्रेजेंट होता है जिसको बोलते हैं एपिग्लॉटिस। ये एपिग्लॉटिस क्या करता है, जब हम फूड लेते हैं तो ये बंद हो जाता है, और जब हम नॉर्मल रेस्पिरेशन कर रहे हैं उस टाइम पे ये खुला रहता है ताकि एयर जो है अंदर बाहर आती जाए, राइट। तो एपिग्लॉटिस कार्टिलेजिनस फ्लैप किसके ऊपर, ग्लॉटिस के ऊपर। नाउ ये जो लैरिंग्स है इसके ऊपर, सॉरी ट्रेकिया जो है इसके ऊपर एक साउंड बॉक्स प्रेजेंट होता है जिसको हम बोलते हैं लैरिंग्स, जिसकी वजह से ये वॉइस निकल रही है, मैं इतना चिल्ला पा रही हूं, राइट। तो लैरिंग्स, अगर बात करें बर्ड्स की, तो बर्ड्स में क्या होता है, उसको हम बोलते हैं सैरिंग्स। तो यहाँ पे हमारी वोकल कॉर्ड्स प्रेजेंट होती है, राइट। तो ये वोकल कॉर्ड्स के थ्रू हमारी जो है ये साउंड जो है वो प्रोड्यूस हो रहा है। तो लैरिंग साउंड बॉक्स है, आपको पता है मेल के अंदर ज्यादा उभराव होता है, ये मेल, हम ये बोलते हैं कि मेल के अंदर ये बाहर की तरफ निकला होता है, जिसको हम एडम्स एप्पल बोलते हैं। तो उस चीज को आपको मालूम है, बट एनसीईआरटी जो हमें जितना देती है हम उतना ही कॉन्सेंट्रेट करेंगे, हमें अभी नीट क्लियर करना है, राइट। फिर ये ट्रेकिया जो है, जो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है जो हमारे पूरे नेक से होते भी थोरेसिक कैविटी में जाती है, सॉरी थोरेसिक जो हमारी जो केज है, थोरेसिक जो कैविटी उसमें एंटर करती है, तो यहां पे एकदम मिडल के अंदर ये प्रेजेंट है। ये देखो ट्रेकिया एकदम मिडल के अंदर प्रेजेंट है। ट्रेकिया के ऊपर देखो, ये देखो छल्ले जैसे बने हुए, ऐसे लग रहा है चूड़िया पहनी है। ये एक्चुअल में क्या है, सी शेप छल्ले है, कार्टिलेज के बने हुए। क्यों है ये सी शेप, किसने बोला, देखो आगे तो है पीछे नहीं है। ये पैन अगर मैंने बनाया ट्रेकिया तो ये ऐसे है, पीछे की तरफ कुछ भी नहीं है, आगे की तरफ है, ताकि ये चिपके ना, पिचके ना। इसके लिए यहां पे ये क्या होती है, सी शेप छल्ले मिलते हैं कार्टिलेज के बने। फिर ये ट्रेकिया जब फिफ्थ वर्टिब्री होती है हमारी थोरेसिक केज में ना, ये तो फिफ्थ थोरेसिक वर्टिब्री, 1, 2, 3, 4 and 5, तो फिफ्थ वर्टिब्री पर ये क्या हो जाती है, बाइफर्केट हो जाती है, किसमें, लेफ्ट एंड राइट ब्रोंकाई में। तो ये लेफ्ट ब्रोंकाई है, ये राइट है। राइट ब्रोंकाई हमारी थोड़ी सी सीधी होती है, लेफ्ट जो होती है वो थोड़ी सी घूमी हुई होती है राउंड, क्योंकि यहाँ पे कार्डियक नोच होता है ना जिसमें हार्ट प्रेजेंट होता है, इस वजह से थोड़ी ऊपर की तरफ घूमी होती है। इसीलिए हमारा राइट लंग जो होता है ना वो जल्दी इन्फेक्ट होता है, जबकि लेफ्ट जो होता है वो थोड़ा उसमें इन्फेक्शन इसके कंपेयर में धीमे होता है, ठीक है। तो लेफ्ट एंड राइट ब्रोंकाई में ये आगे बढ़ जाती है, और उसके बाद में ये खुद जो है आगे ब्रोंकाई, फिर प्राइमरी ब्रोंकियोल्स, सेकेंडरी ब्रोंकियोल्स में, और टर्सरी ब्रोंकियोल, टर्मिनल ब्रोंकियोल्स में, इस तरह से आगे डिवाइड होती रहती है। लास्ट में हमारे सैक लाइक स्ट्रक्चर जिसको एल्वियोली कहते हैं उसमें ओपन हो जाती है। तो टिल कहां पर, जब तक हमारे इनिशियल ब्रोंकियोल्स है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी ब्रोंकियोल्स है, वहां तक ट्रेकिया पूरी कवर रहती है बाहर से सी शेप छल्लों से। एग्जैक्टली एनसीईआरटी की लाइन है, क्लियर कट मेंशन किया है, आप लोगों को याद रहना चाहिए कहां तक। तो ट्रेकिया से लेकर आपके इनिशियल ब्रोंकियोल्स तक, टर्मिनल ब्रोंकियोल्स एंड ये जो एल्वियोली है इसके ऊपर सी शेप छल्ले फिर नहीं होते हैं, ठीक है। और आप लोग देखेंगे तो ये जो ट्रेकिया है ये पूरा पोर्शन कहां तक, हमारे जो ब्रोंकियोल्स है वहां तक का पूरा पोर्शन कहलाता है कंडक्टिंग पार्ट, कंडक्टिव सिस्टम है ये रेस्पिरेशन का, जो केवल ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड की सप्लाई के लिए एक पाथवे है। जबकि ये जो एल्वियोली है और यहां पे प्रेजेंट ब्लड कैपिलरीज है, यानी कि ये जो टर्मिनल ब्रोंकियोल्स है और ये एल्वियोली है, ये जो है ये किसका पार्ट है, ये हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम, हम ये बोलते हैं रेस्पिरेटरी सर्फेस का पार्ट है। तो एक पोर्शन है कंडक्टिव, दूसरा है रेस्पिरेटरी, क्योंकि यहां पर एक्चुअल एक्सचेंज ऑफ गैसेज यहीं पर होता है, ठीक है। अब ये जो लंग्स होते हैं ये कवर्ड रहते हैं किससे, मेम्ब्रेन से, जिसको हम बोलते हैं प्लूरा, ठीक है। तो ये प्लूरल मेम्ब्रेन है, दिखाई दे रही है आपको येलो कलर में, ये आउटर और इनर दो है, ठीक है, अंदर वाली इनर ही हो, बिल्कुल अंदर वाली इनर ही होगी। तो आउटर एंड इनर दो मेम्ब्रेन होती है जिसके बीच में प्लूरल फ्लूड भरा रहता है। अभी प्लूरल फ्लूड क्यों है, क्योंकि देखिए जब ये हम इंस्पिरेशन एंड एक्सपिरेशन करते हैं तो हमारा ये थोरेसिक केज जो है वो तो एक्सपेंड होता है, रिलैक्स होता है, उसी के साथ साथ में हमारे लंग्स भी एक्सपेंड होते हैं और रिलैक्स होते हैं। तो ये लंग्स में फ्रिक्शन की वजह से कुछ हम ये बोलते हैं फ्रिक्शन की वजह से कोई डैमेज ना हो, उसको बचाने के लिए, सारे शॉक को लेने के लिए इसमें प्लूरल फ्लूड जो होता है वो भरा रहता है, ठीक है। तो प्लूरल फ्लूड इसके अंदर फिल्ड रहता है इन दोनों लेयर के बीच में। मैंने यहां नहीं बताया ये पिंक कलर का, मैंने इन दोनों लेयर के बीच में बताया, ठीक है। तो यहां पे क्या है आपके, ये प्लूरल फ्लूड भरा रहता है, क्लियर। पिंक कलर के होते हैं लंग्स एम्ब्रियो टाइम पे, अगर ये पॉल्यूशन इतना नहीं होता, इतनी गाड़ियां वाड़ियां नहीं चलती ना,
तो ये ग्रे कलर में कन्वर्ट भी नहीं होते। वो एड आते ना मूवी हॉल में जाते हो, सबसे पहले सिगरेट पीने के नुकसान, लंग्स को ऐसे निचोड़ देते हैं और कहते हैं ये देखिए ये सारा आपके गाड़ियों से निकलने वाला धुआं है, बिल्कुल ये ग्रे कलर के हो जाते हैं पॉल्यूशन की वजह से। यानी कि एयर के साथ में क्या है, ये डस्ट पार्टिकल्स वगैरह भी जाते हैं जिससे रेस्पिरेटरी डिजीजेस जो है वो हो जाती है, ठीक है, अस्थमा वगैरह। क्लियर, ध्यान रखिए इन सब चीजों को। तो ये जो है रेस्पिरेशन, हमारे रेस्पिरेशन के लिए क्या है, हम ये बोलते हैं एक्सचेंज ऑफ गैसेस के लिए ये सिस्टम है पूरा का पूरा लंग। अभी लंग्स जो होते हैं प्रेजेंट कहाँ होते हैं, ये थोरेसिक केज में प्रेजेंट होते हैं। थोरेसिक केज हम किसको बोल रहे हैं, देखिए थोरेसिक केज जो होता है वो एक्चुअल में पीछे की तरफ, तो वर्टिबल कॉलम होती है, ये मेरी वर्टिबल कॉलम है पीछे की तरफ, तो ये पीछे तो वर्टिबल कॉलम से, यानी डॉर्सली वर्टिबल कॉलम से कवर्ड रहता है। आगे की तरफ स्टर्नम होता है, स्टर्नम तो आप जानते हैं एक छोटी सी इस तरह से अगर फ्लैट जैसी फ्लैट बोन में बना दूं, और इससे निकलने वाली जो रिब्स है ये सारी की सारी रिब्स जो है लेटरली ये रिब से कवर रहता है, ठीक है। और हम ये बोल रहे हैं कि आगे स्टर्नम है, वेंट्रली स्टर्नम है, पीछे डॉर्सली वर्टिबल कॉलम है, साइड में लेटरली रिब्स है, और नीचे की तरफ देखिए ये क्या है, डायाफ्राम है, डायाफ्राम, ठीक है। तो ये केज बन गया, इस केज में लंग्स प्रेजेंट होते हैं, यानी थोरेसिक केज जो है वो भी क्या होता है, एक्सपेंड होता है जब हम इंस्पिरेशन करते हैं, और एक्सपिरेशन करते हैं तब वो भी क्या हो जाता है, रिलैक्स हो जाता है, राइट। तो ये प्रोसेस होता है किसके अंदर, इंस्पिरेशन एक्सपिरेशन के टाइम पे थोरेसिक केज भी जो है वो भी मूव करता है, क्लियर। तो ये हुआ आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम। क्वेश्चन ऐसे ही डायरेक्टली पूछे जाएंगे और इतना ही पूछेंगे, ज्यादा डिटेल नहीं पूछेंगे। चलिए, ये है आपकी रेस्पिरेटरी सरफेस एल्वियोली। अभी पूछ लेते हैं जो डिफ्यूजन हो रहा है ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड का, वहां कौन कौन सी लेयर होती है, तो देखिए स्क्वैमस एपिथीलियम प्रेजेंट होती है, आपको पता है ब्लड वेसल्स के अंदर भी वही है, यानी कैपिलरीज जो है ये भी किसकी बनी है, इनमें भी टेसिलेटेड मेम्ब्रेन है कि नहीं है, है ना, तभी तो बोल रहे हैं। तो ये जो है ये भी क्या है, स्क्वैमस, सिंपल स्क्वैमस एपिथीलियम है, तो बिल्कुल दो तो यहाँ पे सेलुलर लेयर है, और एक इसके बीच में क्या है, बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है। आपको पता है स्क्वैमस एपिथीलियम जब हम लोगों ने पढ़ा था टिश्यूज, आपको वही समझ में आ गए थे कि सेलुलर के साथ में एक नॉन सेलुलर लेयर बेसमेंट मेम्ब्रेन भी होती है जो म्यूकोपॉलीसेकेराइड एंड ग्लाइकोप्रोटीन की बनी होती है, दैट इज सिक्रेटेड बाय द कनेक्टिव टिश्यू एंड जो सेल्स हैं, सेलुलर सेल्स हैं आपकी एपिथेलियल सेल्स, उनके साथ उनके थ्रू, दोनों के थ्रू ही जो है ये सिक्रेटेड होती है। तो ये जो है ये यहाँ पे प्रेजेंट होती है, क्लियर। तो ये है रेस्पिरेशन इन तीन लेयर्स के थ्रू होता है, सॉरी डिफ्यूजन जो है इन तीन लेयर के बीच में होता है। तो याद रखिए इस चीज को, ये क्वेश्चन पूछते हैं, ये स्ट्रक्चर भी पूछते हैं, ऐसा का ऐसा, कौन सी है बेसमेंट मेम्ब्रेन लेयर, कौन है ये है रेड, ये रेड ब्लड सेल्स है इसमें जो नजर आ रही है, क्योंकि ब्लड कैपिलरीज है ना ये, और ये है एल्वियोली, यहाँ पे एयर आ रही है, ठीक है। तो ये चीज जो है ना ये आपको याद रखना, और ये डायग्राम भी याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज मार्क इट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए नाउ आगे बढ़ते हैं, देखिए रेस्पिरेशन जो है उसमें क्या क्या स्टेप है। तो एटमॉस्फेयर और हमारे लंग्स के बीच में ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज, फर्स्ट स्टेज। अगर मैं बनाऊं तो ये एल्वियोली बना देती हूँ, या ब्लड वेसल्स मैंने बना, कैपिलरीज बना दिए, तो यहाँ पे ये जो एक्सचेंज हो रहा है ये एक्सचेंज हुआ। इसके बाद में क्या होगा, ये ही सेम एक्सचेंज टिश्यूज के बीच में और कैपिलरीज के बीच में भी होता है, ठीक है। बट यहां से जो ये कैपिलरीज है ये वेन्स के थ्रू ब्लड की सप्लाई करती है, किस, ये ब्लड जो है ना इसकी सप्लाई करती है हार्ट को, एंड देन हार्ट के थ्रू ये सप्लाई होती है टिश्यूज को, एंड देन ये वापस होती है टिश्यूज से किसको, हार्ट को, एंड हार्ट से ये वापस होती है लंग्स को। तो ये तो है पाथवे। लेकिन हम लोग रेस्पिरेशन में क्या क्या चीजें पढ़ेंगे, रेस्पिरेशन में हम चीजें पढ़ेंगे, एक तो आपका ब्रीदिंग, कि हम ब्रीदिंग कैसे करें, इंस्पिरेशन एंड एक्सपिरेशन, ठीक है। उसके बाद में ये जो डिफ्यूजन हो रहा है कहां पे, हमारे टिश्यूज एंड ब्लड कैपिलरीज के बीच में, सॉरी लंग्स एल्वियोली एंड ब्लड कैपिलरीज के बीच में, एंड टिश्यूज एंड एल्वियोली ब्लड कैपिलरीज के बीच में होने वाला एक्सचेंज, ये एक्सचेंज हम पढ़ेंगे। इसके बाद में ये जो ब्लड है ये जो ट्रांसपोर्ट करती है गैस को, कैसे करती है, कैसे ऑक्सीजन को लेके आती है, बाइंड करती है, और कैसे ऑक्सीजन को रिलीज करती है, कैसे कार्बन डाइऑक्साइड को बाइंड करती है और उसको रिलीज करती है, यानी ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेस थ्रू ब्लड, इसको भी हम यहां पर पढ़ेंगे। तो एक चीज ये है क्योंकि यहां पर इसके थ्रू ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, ठीक है। उसके बाद में ट्रांसपोर्ट होकर टिश्यूज के पास में गई, तो वहां पर भी सेम अगेन वापस डिफ्यूजन हुआ, एंड देन ये जो है आपका
कार्बन डाइऑक्साइड जो कि रिलीज हो रही है बाय द टिश्यूज, लेकिन टिश्यूज में ये ऑक्सीजन यूटिलाइज हो रही है, तो ये जो यूटिलाइज होता है यानी ग्लूकोज का जो ब्रेकडाउन होता है दैट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ रेस्पिरेशन, बट वो हम यहाँ नहीं पढ़ते। वो ग्लूकोज कैसे जो पूरा साइकिल होता है वो हम यहाँ नहीं पढ़ते, ग्लाइकोलिसिस एंड क्रैब साइकिल वो हम प्लांट फिजियोलॉजी में पढ़ लेते हैं, यहाँ हम उस चीज को स्किप कर देते हैं, वो चीज भी रेस्पिरेशन का पार्ट है। एंड देन उस प्रोसेस के थ्रू जो रिलीज होती है कार्बन डाइऑक्साइड उसका वापस से ब्लड के थ्रू जो है वो लंग्स तक पहुंचाना उसका, एंड देन फिर उसको एक्सपिरेशन के थ्रू बाहर निकालना, यानी पूरा पाथवे जो है ना ये पूरा का पूरा क्या है रेस्पिरेशन का टाइप क्या पूरा पूरे स्टेप्स है। तो इनको आपको ऐसे ही पढ़ना है वन बाय वन, ठीक है, जो एनसीईआरटी में भी मेंशन है। चलिए तो सबसे पहला चीज क्या आता है, ब्रीदिंग, इंस्पिरेशन एंड एक्सपिरेशन। तो क्या है इंस्पिरेशन और क्या होता है एक्सपिरेशन, देखिए इंस्पिरेशन जो है वो एक एक्टिव प्रोसेस है। इंस्पिरेशन जब हम करते हैं यानी ऑक्सीजन को जब हम लेते हैं अंदर, तो उसके टाइम पे क्या होता है एटीपी का यूटिलाइजेशन हो रहा है यानी एनर्जी रिलीज होती, एनर्जी का यूज होता है, जबकि एक्सपिरेशन जो है वो एक पैसिव प्रोसेस है, इसके अंदर कोई भी एनर्जी जो है उसका रिक्वायरमेंट नहीं होती है। अभी देखिए इस चीज को समझिए, बहुत तेजी से दौड़ रहे हैं, रेस्पिरेशन आपका क्या हो गया है इंस्पिरेशन बढ़ गया, इंस्पिरेशन रेट बढ़ जाती है ना क्योंकि टिश्यूज को ऑक्सीजन ज्यादा चाहिए, उस टाइम पे एनर्जी ज्यादा निकलती है, तभी तो दौड़ रहे होते हो, और एनर्जी ज्यादा यूज होती है तो उतना ही ज्यादा हमारी बॉडी का क्या है कार्बोहाइड्रेट जो है वो भी बर्न होता है और फैट जो होता है वो फैट भी बर्न होता है, राइट। तो ये जो प्रोसेस है ये वन बाय वन, ये इसी स्टेप में ये चीजें होती है, तो आपको समझ में आ गया होगा उस टाइम पे एनर्जी की जरूरत होती है जब आप इंस्पिरेशन करते हैं, जबकि के टाइम पे कोई एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो ये एक पैसिव प्रोसेस है, सिंपल चीज से याद हो जाएगा। चलिए इंस्पिरेशन किसको कहते हैं, एयर को एटमॉस्फेयर से लंग्स के अंदर लेना, एक्सपिरेशन किसको बोलते हैं, लंग्स से जो आपकी कार्बन डाइऑक्साइड है उसको बाहर निकालना, ठीक है, यानी कि एयर को बाहर की तरफ निकालना, लंग से बाहर की तरफ निकालना, उसको हम बोलते हैं एक्सपिरेशन। अब देखिए इंस्पिरेशन के टाइम पे क्या क्या होता है, इंस्पिरेशन के टाइम पे जो चीजें होती है उसको थोड़ा सा हम लोग समझते हैं डायग्राम के थ्रू, और एक्सपिरेशन को जो होता है उसको हम पढ़ेंगे डायग्राम के थ्रू। देखिए आपको पता है थोरेसिक केज जो है वो जब एक्सपेंड होगा तो वॉल्यूम जो है ना वो भी एक्सपेंड होगा, इंक्रीज होगा, ठीक है, और जब भी थोरेसिक केज जो है वो क्या हो जाएगा, हम ये बोलते हैं कि रिलैक्स हो जाएगा, यानी कि इस तरह से हम बोलते हैं रिलैक्स हो जाएगा, तो वो वॉल्यूम जो है वो भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और हम ये बोलेंगे वॉल्यूम कम हो जाएगा तो एयर जो है वो भी क्या हो जाएगी, बाहर निकल जाएगी। तो थोड़ा सा ऐसा ही है, गुब्बारा जब आप भरते हो तब क्या होते हो, चीजें जो है वो फैलती है ना, फैलती है, वॉल्यूम बढ़ता है गुब्बारे के अंदर का, तभी तो एयर उसके अंदर भरती रहती है, और जब ये एयर निकलती है तब क्या होता है कि वो जो उसकी वॉल है गुब्बारे की वो क्या होती है, वो थोड़ी सी रिलैक्स हो जाती है, रिलैक्स हो जाती है तो वो एयर क्या होती है बाहर निकल जाती है। तो सेम वैसा ही मैकेनिज्म हो रहा है इंस्पिरेशन एंड एक्सपिरेशन के थ्रू टाइम पे, पर होता कैसे अब ये देखिए, ये समझिए, देखिए इंस्पिरेशन जब होता है तब लंग्स का पहले तो बात है वॉल्यूम जो होता है वो बढ़ना होता है। अब ये लंग्स का वॉल्यूम कैसे बढ़ेगा, थोरेसिक केज जो होता है ना, थोरेसिक केज यानी कि वो जो बोन्स है, वो बोन्स जो है वो क्या करती है, वो इंक्रीज करती है, इस वॉल्यूम को इंक्रीज करवाती है, वो खुद को भी अपने क्या होती है, वो बोन्स जो है मसल से अटैच रहती है, जब वो क्या होती है अपने, हम ये बोलते हैं मसल्स जब क्या होती है कॉन्ट्रेक्शन शो करती है, तो वो भी क्या करती है उससे जुड़ी हुई जो बोन्स है उनको भी क्या करती है, खींच लाती है। जब वो उनको खींच लाएगी तो क्या हो जाएगी, वो दूर हटेंगी, वो दूर हटेंगे तो ये उनके बीच का जो वॉल्यूम है कैविटी का वो भी क्या, वो हो जाएगा, बढ़ जाएगा, ठीक है। तो यहां पे कुछ मसल्स काम करती है, उन मसल्स को हम बोलते हैं एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स। ये एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स जो है ये क्या करती है, कॉन्ट्रेक्शन करती है, मसल्स का कॉन्ट्रेक्शन और रिलैक्सेशन, इसी की वजह से मूवमेंट होता है, ठीक है, पहले बात समझिए। अब ये पेन है ये तो मूवमेंट नहीं कर रहा है, इसको मूवमेंट करवाएंगे कैसे, इससे पकड़ा हुआ है, जैसे मैंने मान लिया एक रबड़ है, उस रबड़ ने क्या किया, कॉन्ट्रेक्शन किया, तो ये क्या हो जाएगा उसके पास में खींचाया, अगर वो रबड़ ढीला हो गया तो ये क्या हो जाएगा, पेन भी दूर चला जाएगा। तो ऐसा ही होता है यहां पर, ठीक है, बट ये जो वॉल्यूम है इसको इंक्रीज करवाने में और इसको डिक्रीज करवाने में इन इंटरकोस्टल मसल्स का रोल होता है, पहले तो ये समझिए। दूसरी चीज मूवमेंट, अगर ये जो रिब्स होती हैं आपकी जो रिब्स है इन दोनों में अलग अलग तरह का मूवमेंट है, ठीक है ना, क्योंकि वॉल्यूम जो है दो तरीके से बढ़ रहा है। वॉल्यूम कैसे बढ़ रहा है, एक तो क्या होता है एंटीरियर एंड पोस्टीरियर जो है ना ये वॉल्यूम बढ़ता है, और एक जो होता है हम ये बोलते हैं डोर्सल एंड हमारा वेंट्रल जो पोर्शन है इससे भी क्या होता है एक वॉल्यूम बढ़ता है। अब ये वॉल्यूम कैसे बढ़ेगा, अगर हमारी ये स्टर्नम जो है वो अगर क्या होगी ऊपर की तरफ खींची जाएगी, है ना, रिब्स और हमारी जो स्टर्नम है वो क्या हो जाएगी बाहर की तरफ खींची जाएगी, तो वॉल्यूम जो है वो बढ़ जाएगा डोर्सल एंड वेंट्रली,
और डायाफ्राम अगर नीचे की तरफ क्या हो जाता है, डायाफ्राम जो है वो नीचे की तरफ आ जाएगा, सीधा स्ट्रेट हो जाएगा, यानी नीचे की तरफ आएगा, तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, एंटीरियर पोस्टीरियर वॉल्यूम जो है वो बढ़ेगा, ये वॉल्यूम जो है वो ऐसे बढ़ेगा और ये वॉल्यूम डोर्सल एंड वेंट्रली बढ़ेगा। तो डोर्सल एंड वेंट्रल वॉल्यूम किसकी वजह से बढ़ता है, रिब्स एंड स्टर्नम की वजह से, और एंटीरियर एंड पोस्टीरियर किसकी वजह से बढ़ता है, डायाफ्राम की वजह से, डायाफ्राम में कॉन्ट्रेक्शन की वजह से। अब होता क्या है, ये वॉल्यूम कैसे बढ़ेगा, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स क्या हुई, कॉन्ट्रैक्ट हुई, जब वो कॉन्ट्रैक्ट हुई तो उनसे जुड़ी हुई रिब्स एंड रिब्स वगैरह भी क्या है, वो भी क्या हो गई, दूर हटी, तो रिब्स भी हटा, स्टर्नम भी क्या हुआ, उन मसल्स के थ्रू खींचा गया, जब वो खींची गई तो क्या हो गया, उन्होंने वॉल्यूम को बढ़ा दिया, ये वॉल्यूम बढ़ गया। और डायाफ्राम जो है उसने क्या किया, डायाफ्राम जो है उसने कॉन्ट्रेक्शन किया, ठीक है ना, तो डायाफ्राम जब ये भी क्या है, अपने से जुड़ी जो रेडियल बोलते हैं मसल्स है उनके थ्रू क्या होता है, ये भी कॉन्ट्रेक्शन करता है, तो जब ये कॉन्ट्रेक्शन हुआ तो इसकी वजह से ये क्या हो जाता है, सीधा हो जाता है, स्ट्रेट, जिससे ये वॉल्यूम बढ़ जाता है, ठीक है। तो वॉल्यूम बढ़ा, तो वॉल्यूम बढ़ने से क्या हो जाएगा, एयर जो है वो अंदर की तरफ क्या होगी, आएगी, ठीक है। दूसरी साइड में एक्सपिरेशन के टाइम पे क्या होता है, जैसे ही ये इंटरकोस्टल मसल्स क्या होगी, रिलैक्स होगी, रिलैक्स होते ही ये रिब्स एंड स्टर्नम जो है उसको ओरिजिनल पोजीशन में छोड़ देंगी, तो हमारा डोर्सल वेंट्रली जो एरिया वॉल्यूम जो बढ़ा था वो अब क्या हो गया, कम हो गया, और जो डायाफ्राम है तो वो डायाफ्राम भी क्या हो गया, उससे जुड़ी हुई जो मसल्स है वो भी क्या हो गई, रिलैक्स हो गई, तो उनके क्या हो गया, उसके उसकी वजह से क्या हो जाएगा, डायाफ्राम जो है वो रिलैक्स हो गया, वो इस तरह से क्या हो गया, डोम शेप में हो गया, जब वो डोम शेप में हो जाएगा तो एंटीरियर पोस्टीरियर वॉल्यूम जो है वो भी कम हो जाएगा, तो ये वॉल्यूम कम होएगा तो एयर जो है वो बाहर निकल जाएगी, ठीक है। तो मसल्स का कॉन्ट्रेक्शन हुआ, वॉल्यूम बढ़ेगा, अगर मसल्स रिलैक्स हुई तो वॉल्यूम घटा, ठीक है, तो ये भी ध्यान रखिए, वॉल्यूम घटा तो एक्सपिरेशन होगा। चलिए नाउ इसी चीज को आगे डिस्कस करते हैं, तो ये किस तरह से होता है, वॉल्यूम बाहर और अंदर जो है इस तरीके से हो ही जाएगा। इसके अलावा एब्डोमिनल मसल्स जो होती है वो भी क्या करती है, हमारे रेस्पिरेशन में हमें हेल्प करती है, ठीक है, इंस्पिरेशन में और एक्सपिरेशन के अंदर एब्डोमिनल मसल्स जो है वो भी एक्स्ट्रा जो है वो वर्क जो है वो पुट करती है, ठीक है। तो ये हुआ इंस्पिरेशन एंड एक्सपिरेशन, और हम ये बोलते हैं नॉर्मल 12 से 16 बार जो है एक मिनट के अंदर हम इंस्पिरेशन एक्सपिरेशन कर लेते हैं नॉर्मली, जो एनसीईआरटी के अंदर दिया गया डाटा है, आपको एज इट इज याद रखना है। चलिए नाउ कुछ रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स एंड कैपेसिटी के बारे में, क्योंकि हम इंस्पिरेशन एंड एक्सपिरेशन करते हैं तो एग्जैक्ट वॉल्यूम की हम कितना अमाउंट के अंदर अंदर हम इंस्पिरेशन कर रहे हैं, कितने अमाउंट के अंदर हम एक्सपिरेशन कर रहे हैं और कितनी हमारी कैपेसिटी है, तो उससे रिलेटेड कुछ हम ये बोलते हैं टर्मिनोलॉजीज भी है और वो वॉल्यूम भी है, तो वो हमें पता होनी चाहिए, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं मैच द कॉलम करके, तो आप लोग चीजों को समझेंगे तो वो सारी चीजें याद रहेंगी, ठीक है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द टाइडल वॉल्यूम, टीवी, टाइडल वॉल्यूम किसको कहते हैं, टाइडल वॉल्यूम का मतलब ये हो गया आपने नॉर्मल इंस्पिरेशन एंड एक्सपिरेशन किया, ठीक है, उस वो वॉल्यूम। तो देखिए नॉर्मल ब्रीदिंग जो हम कर रहे हैं, नॉर्मल मैंने इंस्पिरेशन किया, एक्सपिरेशन कोई मैंने फोर्स नहीं लगाया इस पे, कोई मैंने एक्स्ट्रा वो नहीं किया, जैसे मैं आपसे बातचीत कर रही हूँ तो नॉर्मल जब मैं बात कर रही हूँ आपसे तब भी मैं नॉर्मल मेरी ब्रीदिंग चालू है, तो वो नॉर्मल वॉल्यूम कितना होता है, तो उसको हम बोलते हैं टाइडल वॉल्यूम, ठीक है, नॉर्मल इंस्पिरेशन एंड एक्सपिरेशन के टाइम पे, तो वो वॉल्यूम कितना होता है, 500 ml, इंस्पिरेशन एंड एक्सपिरेशन वॉल्यूम 500 ml होता है, ठीक है, क्लियर है, याद रखिए टाइडल वॉल्यूम कहते हैं। इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम यानी कि IRV हम किसको बोलते हैं, तो IRV क्या होता है, फोर्स के साथ में जब आप इंस्पिरेशन करते हो, यानी कि मैंने ये नॉर्मल रेस्पिरेशन किया उसके साथ में ये मैंने एक और मैंने क्या किया, तेजी से मैंने अभी इंस्पिरेशन किया, ये मेरा फोर्सफुली इंस्पिरेशन हुआ है, तो वो वॉल्यूम कितना होता है फोर्सफुली वाला, वो होता है 2500 से 3000 ml, ठीक है, ये इतना ml में है, ये सारी के सारे याद रखिए, ठीक है, तो 2500 से 3000 ml तक मैं क्या कर सकती हूँ, फोर्सफुली भी इंस्पिरेशन कर सकती हूँ, तो ये मेरा क्या है IRV, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम हम इसको बोलते हैं, ठीक है, नॉर्मल किया एंड देन फोर्सफुली किया, यानी ये हमारी कैपेसिटी भी हो सकती है कि मेरी कैपेसिटी कितनी है, क्योंकि नॉर्मली मैं इतना कर रही हूँ उसके बाद मैं फोर्सफुली भी और इतना कर पा रही हूँ, तो ये मेरी कैपेसिटी होगी ना मेरी लंग्स की इंस्पिरेशन के लिए कैपेसिटी होगी, तो देखिए यहाँ पे इंस्पिरेटरी कैपेसिटी हमारी आ जाती है, इंस्पिरेटरी कैपेसिटी IC क्या होता है कि मैंने नॉर्मल इंस्पिरेशन किया और फोर्सफुल किया, ये मेरी कैपेसिटी है, तभी तो दोनों चीजें कर पाई ना मैं, तो ये कितना हो जाएगा TV plus IRV, यानी कि ये हो जाएगा हमारा 3000 से 3500 तक, ये ml जो है वो हमारा क्या होता है, हमारा हम बोल सकते हैं हमारी कैपेसिटी है, इंस्पिरेशन करने की कैपेसिटी है, ठीक है। अब देखो एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, एक्सपिरेटरी का मतलब ये हुआ कि मैंने नॉर्मल एक्सपिरेशन किया और उसके बाद में मैं और
जोड़ लगा के, है ना, अभी राम उनको बाबा रामदेव को याद करिए, वो करवाते हैं कई बार अनुलोम विलोम करवाते हैं तो, और या फिर वो कपाल भाती वगैरह करवाते तो वो कहते हैं ना फोर्सफुली और एक्सपिरेशन करवाते हैं इस तरीके से कपाल भाती के टाइम पे, वो तो उस टाइम पे वो जो एक्स्ट्रा फोर्स लगा के जो हमने निकाली होती है, एक्सपिरेशन किया होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम कहते हैं। वो कितना होता है, 1000 से लेके 1100 ml तक, इतना हम गैस को, एयर को हम बाहर और निकाल सकते हैं फोर्स के साथ में। मैंने और बोला है यानी नॉर्मल के बाद में और बोला है, तो यानी कि ये मेरी क्या हो सकती है, एक्सपिरेशन कैपेसिटी हो सकती है कि नहीं हो सकती है। तो देखिए एक्सपिरेटरी कैपेसिटी क्या हो जाएगा, टीवी प्लस ERV, तो ये कितना हो गया 1500 से 1600 ml। ठीक है, तो ये हो गई आपको चीजें समझ में आई। नाउ रेसिडुअल वॉल्यूम, रेसिडुअल वॉल्यूम क्या इसको कहते हैं, देखिए आपने नॉर्मल एक्सपिरेशन के थ्रू वॉल्यूम निकाला, ठीक है, उसके बाद में आपने फोर्सफुली और एक्सपिरेशन किया, आपने निकाल दिया। लेकिन देखिए एयर एक ऐसी चीज है जिसको आप पूरी तरीके से, आप वो कहते हैं ना, पूरी तरीके से आप खाली नहीं कर सकते, है ना, पूरी तरीके से आप उसको, ये नहीं है कि पूरा एक्सपिरेशन किया तो पूरी की पूरी वॉल्यूम निकल गई। तो लंग्स में क्या होता है कि आप फोर्सफुली एक्सपिरेशन करके भी आप एयर निकाल दो, उसके बावजूद भी कुछ ना कुछ एयर जरूर रह जाती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं रेसिडुअल वॉल्यूम, यानी कि वो कितना होता है 1100 से 1200 ml, 1100 to 1200 ml जो है वो रिजर्व वॉल्यूम होता है जो फोर्सफुली एक्सप्रेशन के बाद में रह जाता है। यानी नॉर्मल एक्सप्रेशन किया वो निकला, फिर आपने फोर्सफुली किया वो भी निकल गया, उसके बावजूद भी लंग्स में अभी भी एयर प्रेजेंट है, उसको हमने बोला है रिजर्व वॉल्यूम, वो कितनी है 1100 to 1200 ml होती है। ठीक है, याद रखिए इस चीज को। फिर आती है फंक्शनल रेसिडुअल वॉल्यूम। फंक्शनल रेसिडुअल वॉल्यूम का मतलब क्या हो गया, ये इसका मतलब हो गया वो जो हम एक, हम ये बोल देते हैं कि जो नॉर्मल एक्सपिरेशन किया है उसके नॉर्मल एक्सपिरेशन के करने के बाद में जो नॉर्मली हमारी लंग्स के अंदर प्रेजेंट वॉल्यूम होती है उसको हम बोलते हैं फंक्शनल, क्योंकि वो नॉर्मल कंडीशन के अंदर हमारी उतनी एयर तो हमारी लंग्स के अंदर रहती रहती है। यानी जो एक्सपिरेशन करके जो हमने जो एयर निकाली है वो, और जो हमारी रेसिडुअल वॉल्यूम जो हमारे अंदर रह गई है लंग्स में, वो हमारी फंक्शनल होती है, जो नॉर्मल कंडीशन के अंदर हमारी लंग्स में वो इतनी एयर रहती रहती है। तो वो कितनी है भाई, 2100 से 2300 ml, ठीक है, ये कमी पूछते हैं। फिर आ जाती है वाइटल कैपेसिटी। वाइटल कैपेसिटी का मतलब ये हो गया कि अगर मैं नॉर्मल एक्सपिरेशन इंस्पिरेशन कर रही हूं, फिर उसके बाद मैं फोर्सफुली भी इंस्पिरेशन या एक्सपिरेशन कर पा रही हूं, तो वो भी तो मेरी क्या है, कैपेसिटी तो है, तो उसको मैं क्या बोल रही हूं, वाइटल कैपेसिटी बोल रही हूं, मेरी कैपेसिटी बात कर रहे हैं, ठीक है ना, ये मेरी क्या है, वाइटल कैपेसिटी है। और यहां पे हम बात कर रहे थे टाइडल वॉल्यूम, ठीक है, ये चीजें ध्यान रखना मैंने क्या शब्द यूज किए। तो वाइटल कैपेसिटी कितनी होगी, फिर हमारा टाइडल वॉल्यूम और हमारा जो फोर्सफुली हमने इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन किया है उसको मिलाएंगे तो हमारा निकल आएगा क्या, हमारा वाइटल कैपेसिटी। तो वाइटल कैपेसिटी होती है 3500 to 4500 ml। टोटल लंग कैपेसिटी कितनी है, अभी देखो टोटल लंग कैपेसिटी हमारी कितनी होगी, टोटली अगर हम देखें तो टोटल वॉल्यूम एयर आफ्टर मैक्सिमम इंस्पिरेशन, और मैक्सिमम हम ये बोलते हैं इंस्पिरेशन करने के बाद में जो हमारे अंदर, क्योंकि देखिए मेरे लंग्स के अंदर नॉर्मल जो रेसिडुअल वॉल्यूम है वो तो लंग्स में हमेशा रहेगा ही रहेगा, यानी फिर मैंने नॉर्मल इंस्पिरेशन किया वो भी मेरे लंग्स में गया, और मैंने फोर्सफुली इंस्पिरेशन किया वो भी मेरे लंग्स में गया, तो ये तीनों चीजें मेरे अंदर गई, तो इन सबको मैं क्या बोलूंगी, टोटल लंग कैपेसिटी बोलूंगी कि नहीं बोलूंगी, ये मेरी लंग कैपेसिटी आ जाएगी। तो आप निकाल सकते हो ये RV, ठीक है, ये फिर मेरा टाइडल वॉल्यूम, ये IRV और ये ERV जो हमारे क्या फोर्सफुली है, उन सभी को अगर हम मिला दे तो हमारा निकल के आ जाता है टोटल लंग कैपेसिटी, कि हमारी लंग कैपेसिटी इतनी होगी। तो 5000 to 6000 ml जो है वो हमारे लंग्स की कैपेसिटी होती है, कैपेसिटी इतनी है जो फोर्सफुली और नॉर्मल इंस्पिरेशन एक्सपिरेशन के बाद में, और उन दोनों के बाद में भी जो रेसिडुअल लंग्स में यूं ही रह जाती है एयर, उसको भी प्लस कर दिया जाए तब हमारी टोटल निकल पाएगी। रेसिडुअल वाली को हम छोड़ नहीं सकते हैं ना, क्योंकि वो भी हमारे लंग्स में कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत रहती जरूर है। तो ये कुछ वॉल्यूम एंड कैपेसिटी के बारे में था। अब आ जाते हैं एक्सचेंज ऑफ गैसेज। एक्सचेंज ऑफ गैसेज जो होता है ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड का, उसमें मेन रोल होता है पार्शियल प्रेशर की, उस पर्टिकुलर गैस का एनवायरमेंट में या फिर टिश्यूज में या फिर हमारे रेस्पिरेटरी जो हमारे लंग्स हैं ऑर्गन है वहां पर उनका पार्शियल प्रेशर क्या है, उसी बेसिस पे उनका क्या होता है, डिफ्यूजन होता है, वो अपनी हायर कंसेंट्रेशन से लो कंसेंट्रेशन की तरफ मूव करते हैं। तो ये पार्शियल प्रेशर बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो पार्शियल प्रेशर जो है अगर आप देखेंगे तो ऑक्सीजन जो है उसका एटमोस्फेयर में पार्शियल प्रेशर कितना है, 159, एल्वियोली में कितना होता है 104, ब्लड के अंदर है 40,
डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में, और ऑक्सीजनेट में है 95 और टिश्यूज में है 40, ठीक है। वैसे अगर आप देखोगे तो ये कार्बन डाइऑक्साइड की रेंज है। अभी आप समझोगे कैसे, समझो ऐसे, एटमोस्फेयर के अंदर देखिए कितनी है, पार्शियल प्रेशर 159, ऑक्सीजन का ज्यादा है, कार्बन डाइऑक्साइड का कम है, ठीक है। एल्वियोली के अंदर अगर हम देखेंगे, कंपेयर करते हैं, एल्वियोली के अंदर कितना है, 104 है, किसका, पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड का कितना है, 40 है। तो देखिए पहले तो एटमोस्फेयर में देखते हैं, एटमोस्फेयर में ऑक्सीजन का क्या है, पार्शियल प्रेशर ज्यादा है, तो वो इंस्पिरेशन हुआ, अंदर गया। अंदर जाने के बाद में आप देखो एल्वियोली के अंदर जब आए, तो एल्वियोली और जो हमारा ब्लड आ रहा है ना, उस ब्लड के अंदर जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो आता है एल्वियोली तक, जो ब्लड कैपिलरीज में आता है, वहां पे पार्शियल प्रेशर कितना है, 40, जबकि एल्वियोली में 104। तो ये अपनी हायर कंसेंट्रेशन से लो कंसेंट्रेशन की तरफ मूव किया, तो कहां चला जाएगा, ब्लड के अंदर चला जाएगा कि नहीं चला जाएगा। ये ऑक्सीजन जो है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में गया, जबकि वहां पे अगर देखोगे तो कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर 45 और एल्वियोली में कितना है, 40, यानी इधर जाता है। तो ये भी अपनी हायर कंसेंट्रेशन से लोअर प्रेशर की तरफ आ गया, तो ये 45 से इधर आ गया, किधर, 40, एल्वियोली की तरफ आ गया। तो कार्बन डाइऑक्साइड तो एल्वियोली में आ गई, देन एक्सपिरेशन के थ्रू बाहर निकल जाएगी, जबकि ऑक्सीजन जो है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के अंदर आई, यानी कि अब उसको ऑक्सीजनेटेड कर दिया उसने। जैसे वो उसको ऑक्सीजनेटेड किया, तो अभी ऑक्सीजनेटेड ब्लड के अंदर पार्शियल प्रेशर कितना है, ऑक्सीजन का 95, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड का है 40। और टिश्यूज में देखोगे तो कंपैरिजन कम मिलेगा, तो इस वजह से वो अपने क्या है, जिधर पार्शियल प्रेशर ज्यादा होगा उधर से जहां पार्शियल प्रेशर कम है, यानी अपनी लोअर कंसेंट्रेशन की तरफ मूव कर जाएगा, ऑक्सीजन चला जाएगा किधर, टिश्यूज के अंदर, जबकि टिश्यूज के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड का प्रेशर ज्यादा है, तो वो क्या करेगा, यानी उसकी कंसेंट्रेशन ज्यादा है, तो वो अब कहां मूव करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड मूव कर जाएगा कहां पे, अपने ऑक्सीजनेटेड ब्लड की जो कैपिलरीज है उनमें। तो जैसे ही वो कार्बन डाइऑक्साइड उसमें आएगा, तो अब क्या हो जाएगा, वहां पे अब वो ब्लड ऑक्सीजनेटेड नहीं रहेगा, डीऑक्सीजनेटेड हो जाएगा, यानी अब पार्शियल प्रेशर वहां पे 40 की बजाय क्या हो जाएगा, 45। तो जहां से कैपिलरीज ने, यानी आर्टरीज ने जहां एंटर किया तब तो था 40, लेकिन जब वहां से वो वेन निकलेगी टिश्यूज से, तो वहां पर क्या हो जाएगा, 45, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखिए, तो पार्शियल प्रेशर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, इसको डायग्रामेटिकली समझते हैं, आपके एनसीईआरटी में दिया है। देखिए ये देखिए पार्शियल प्रेशर ज्यादा है 104, जबकि ब्लड के अंदर देखेंगे यहाँ पे जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है, चूंकि वहां पे 40 आ रहा है, तो वहां पे क्या हो जाएगा आपका, ये आपका एंटर कर जाएगा किधर, आपके ब्लड के अंदर। जैसे ब्लड में एंटर किया, ब्लड हो जाएगा ऑक्सीजनेटेड, पहुंचा कहां, हार्ट को पहुंचा, हार्ट से ये फिर आर्टरीज के थ्रू पहुंचा कहां, टिश्यूज को। तो यहां पे तो पार्शियल प्रेशर क्या हो गया है, अभी यहां पे तो क्या था, जैसे ही यहां पे पहले तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के अंदर 40 था, पर जैसे ही इसके अंदर ऑक्सीजन आई, तो अभी यहां पे क्या हो जाएगा, ये 95 हो गया, 95 ही जा रहा है, फिर टिश्यूज तक पहुंचा तो 95 ही है, बट यहां टिश्यूज के अंदर कितना है इसका, टिश्यूज के अंदर फिर इसका 40 है, चूंकि टिश्यूज के अंदर 40 है, तो ये 95 की वजह से ऑक्सीजन तो अंदर एंटर कर गया, ऑक्सीजन अंदर चला जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड का यहाँ पे क्या है, पार्शियल प्रेशर कार्बन डाइऑक्साइड का बाहर जो होता है वो होता है 40, जबकि टिश्यूज में होता है 45, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ क्या हो जाएगी, रिलीज हो जाएगी। फिर ये कार्बन डाइऑक्साइड चूंकि 45 होते ही अभी ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो सप्लाई हो रहा है कहाँ, एल्वियोली तक, एल्वियोली में यहाँ आएगा, तो यहाँ पे क्योंकि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आया, तो कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर 45, जबकि एल्वियोली में है 40, तो ये अगेन अभी कार्बन डाइऑक्साइड एंटर कहाँ कर जाएगा, आपके एल्वियोली के अंदर। तो पार्शियल प्रेशर जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, किसके अंदर, ऑक्सीजन के, हम ये बोलते हैं डिफ्यूजन के अंदर, कि ऑक्सीजन का डिफ्यूजन कैसे होता है। तो ये याद रखिए, जब यहाँ पे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है, तो वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो लेके आ रहा है 40 ना पार्शियल प्रेशर वाला, 40 का मतलब 40 mmHg जो है उसका पार्शियल प्रेशर है ऑक्सीजन का, पर जैसे ही ऑक्सीजन आ गई, देन ये पार्शियल प्रेशर बढ़ गया, कितना हो गया, 95 हो गया, यहां पर कितना है, 95 ही है, पर जैसे ही उसको सप्लाई कर देगा, तो अब जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जा रहा है उसके अंदर कितना हो गया है, उसके अंदर हो जाएगा 40, ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। तो पार्शियल प्रेशर कहां किसका कितना है, ये क्वेश्चन पूछ लेते हैं, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये आपका हो गया हम ये बोलते हैं एक्सचेंज ऑफ गैसेस। नाउ ब्लड जो है वो कैसे ऑक्सीजन को, हम ये कहते हैं बाइंड करेगा, या कार्बन डाइऑक्साइड को बाइंड करेगा, और कैसे उसका ट्रांसपोर्टेशन करेगा, अब वो पढ़ते हैं। चलिए, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेस फिर कैसे होगा, देखिए ब्लड ही अकेला एक मीडियम है, ये ब्लड है, ठीक है, और मैं बोल रही हूं कि ब्लड जो है वही अकेला मीडियम है जो ट्रांसपोर्टेशन कर रहा है, किसका, दोनों ही गैसेस का, ऑक्सीजन का भी और कार्बन डाइऑक्साइड का भी। अब ब्लड के अंदर क्या है, ब्लड के अंदर एक तो आरबीसी है, जिनके अंदर हीमोग्लोबिन है,
पिगमेंट है और दूसरा है प्लाज्मा पार्ट, यानी कि दो ही तरीके से क्या हो सकता है इनका ट्रांसपोर्टेशन हो सकता है, एक तो हीमोग्लोबिन के साथ में बाइंड होके और दूसरा प्लाज्मा में डिसॉल्व कंडीशन में। तो हम स्टार्ट करेंगे फ्रॉम द ऑक्सीजन कि ऑक्सीजन कैसे ट्रांसपोर्ट हो रहा है। लेकिन याद रखिए ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड इन दोनों का ही जो कंसंट्रेशन है बहुत इफेक्ट करती है एक दूसरे को, ठीक है। कैसे, अभी देखिए ऑक्सीजन जो है वो दो तरीके से क्या होती है ट्रांसपोर्ट हो रही है। 97% ऑक्सीजन जो होती है वो हीमोग्लोबिन के साथ में बाइंड होती है, यानी कि ऑक्सीजन जो है वो हीमोग्लोबिन के साथ में बाइंड होती है और ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनता है। और उस फॉर्म में जो है 97% जो ऑक्सीजन जो है वो जाती है कहां से, आपके एल्वियोली से ट्रांसपोर्ट होती है ब्लड के थ्रू और जाती है अपने टारगेट टिश्यूज की तरफ, ठीक है। और 3% ओनली जो है प्लाज्मा में डिसॉल्व कंडीशन के अंदर ट्रांसपोर्ट होती है, कहां से, आपके एल्वियोली से टिश्यूज पे, ठीक है। तो 97% तो जा रही है हीमोग्लोबिन से एसोसिएट हो गए ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना के, इस एक्टिविटी को हम बोलते हैं ऑक्सीजिनेशन, ठीक है। इस एक्टिविटी के थ्रू ट्रांसपोर्ट होती है। अब इसके ऑक्सीजन के हीमोग्लोबिन से जुड़ने के और ऑक्सीजन के हीमोग्लोबिन से अलग होने के, क्योंकि हीमोग्लोबिन तो क्या है सबके अंदर जितना हीमोग्लोबिन होगा वो सेम टाइम में, ये तो नहीं है कि नया नया हीमोग्लोबिन आता रहेगा। हीमोग्लोबिन की कंसंट्रेशन, हीमोग्लोबिन की मात्रा जो है वो ब्लड के अंदर फिक्स रहती है, यानी वो उतना ही हीमोग्लोबिन क्या कर सकता है, अगर ऑक्सीजन को बाइंड कर रहा है तो एट द सेम टाइम जब अगर उसको कार्बन डाइऑक्साइड को भी लेके जाना है तो उसको कार्बन डाइऑक्साइड के लिए भी बाइंड होने के लिए उसको फ्री होने की कंडीशन चाहिएगी, यानी ऑक्सीजन का उसका हीमोग्लोबिन का फ्री करना भी जरूरी है। और ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन को फ्री करेगा तभी तो ऑक्सीजन जो है वो टिश्यूज को अवेलेबल होगा, यानी कि ऑक्सीजन का हीमोग्लोबिन से डिसोसिएशन होना वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। बट अभी ध्यान रखिए, सिर्फ इस स्टेज पे याद रखिए ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साइड में बाइंड होगा और ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनेगा। इस कंडीशन को कई सारे फैक्टर इफेक्ट करते हैं। अब वो फैक्टर क्या क्या है, वो फैक्टर होता है एक तो ऑक्सीजन जो है उसकी खुद की कंसंट्रेशन कितनी है, यानी उसका पार्शियल प्रेशर जो है वो कितना है, ठीक है। तो PO2 यानी पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन जो है वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। पहला, जितना प्रेशर ज्यादा होगा होगा क्या उसकी हम ये बोलते हैं दोनों दो तरह की गैसेस हैं, एक है ऑक्सीजन और एक है कार्बन डाइऑक्साइड। एफिनिटी ज्यादा किसकी है, कार्बन डाइऑक्साइड की, बट फिर भी जुड़ता ऑक्सीजन क्यों है, रीजन ये है क्योंकि ऑक्सीजन जो है ज्यादा उसका पार्शियल प्रेशर होता है, यानी उसकी कंसेंट्रेशन ज्यादा होती है, इसलिए वो हीमोग्लोबिन के साथ में क्या हो जाता है, बाइंड हो जाता है, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड बाइंड नहीं होता। यानी ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर जो है वो एक फैक्टर है, ठीक है। जितना ज्यादा पार्शियल प्रेशर होगा उसकी हीमोग्लोबिन के साथ में जुड़ने की जो एफिनिटी है वो भी क्या होगी, बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी। तो एक तो ये फैक्टर है, दूसरा है PCO2 यानी कि पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ये जितना कम होगा उतना ही ऑक्सीजन जो है हीमोग्लोबिन के साथ में ज्यादा जुड़ेगा, है ना, तभी तो वो क्या होगा, कंसंट्रेशन जितनी उसकी कम होगी, अगर कंसंट्रेशन कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ी तो वो ऑक्सीजन को नहीं जुड़ने देगा, खुद जाके हीमोग्लोबिन के साथ में जुड़ जाएगा, ठीक है। तीसरी कंडीशन होती है टेम्परेचर। टेम्परेचर जो है उसका भी बहुत इफेक्ट है, बहुत रोल प्ले है, क्योंकि वो भी क्या करती है, टेम्परेचर का कम होना ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ में जुड़ता है, टेम्परेचर बढ़ेगा तो ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से नहीं जुड़ पाएगा, ठीक है। चलिए उसके अलावा हाइड्रोजन आयन, अब ये हाइड्रोजन आयन जो है उसकी कंसेंट्रेशन भी इफेक्ट करती है, ठीक है। अभी हाइड्रोजन आयन आया कहां से वो मैं आपको बाद में बताती हूँ। अभी के लिए आप चार चीजें याद रखिए, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, कंसेंट्रेशन ऑफ प्रोटॉन्स यानी कि हाइड्रोजन आयन और टेम्परेचर, ये इफेक्ट करते हैं ऑक्सीजन के हीमोग्लोबिन के साथ में जुड़ने को। तो ये तो बात हुई ऑक्सीजन कैसे ट्रांसपोर्ट हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड कैसे ट्रांसपोर्ट होता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड तीन तरीके से ट्रांसपोर्ट होता है, एक तो हीमोग्लोबिन के साथ में जुड़ के, तो 20-25%, ठीक है। तो 20-25% CO2 जो है वो हीमोग्लोबिन के साथ में जुड़कर बाइंड होकर ट्रांसपोर्ट होती है, यानी टिश्यूज तक से एल्वियोली तक पहुंचती है। वो कंडीशन क्या है उसको हम क्या बोलते हैं, कार्ब एमिनो हीमोग्लोबिन बोलते हैं, ठीक है। तो एक तो इस कंडीशन में ये ट्रांसपोर्ट होता है, दूसरी कंडीशन जो है मैक्सिमम परसेंटेज जो होती है यानी 70%, ये बाइकार्बोनेट आयन के फॉर्म में, बाइकार्बोनेट आयन के फॉर्म में 70% CO2 जो होती है वो ट्रांसपोर्ट होती है टिश्यू से एल्वियोली तक। 70% बोले ज्यादातर बाइकार्बोनेट आयन फॉर्म होते हैं, और फिर हम बोलते हैं 7% जो होती है वो प्लाज्मा में डिजोल्व कंडीशन के अंदर ट्रांसपोर्ट होती है। तो जो डिजोल्व कंडीशन में हो रही है उस चीज को तो भूल जाइए, हमें तो ध्यान रखना है हीमोग्लोबिन के साथ में जुड़ने को और बाइकार्बोनेट आयन को। तो देखिए बाइकार्बोनेट आयन हम कैसे बनते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है वो क्या होता है, ये वाटर के साथ में जब जुड़ा तो कार्बोनिक एनहाइड्रेस की प्रेजेंस के अंदर
तब ये कार्बोनिक एसिड बना, और ये कार्बोनिक एसिड जो है वो कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम की प्रेजेंस में, हम ये बोल रहे हैं कि ये जो है कार्बोनेट आयन और प्रोटोन आयन इनसे क्या हो जाते हैं, फ्री हो जाते हैं, डिसोशिएट हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं। तो ये प्रोटोन आयन की कंसंट्रेशन जो है बढ़ जाती है अगर ये कार्बोनेट आयन के फॉर्म में अगर हो तो, ठीक है। तो जितने ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर जितना ज्यादा होगा वो उतना ही ज्यादा क्या होगा, कार्बोनेट आयन के फॉर्म में होगा। जितने ज्यादा कार्बोनेट आयन के फॉर्म में होगा यानी हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन भी क्या होगी, ज्यादा होगी। तो जितनी ज्यादा हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन होगी तो वो भी इफेक्ट करेगी किसको, ऑक्सीजन के हीमोग्लोबिन से जुड़ने और अलग होने को, ठीक है। तो ये चीज को आपको ध्यान रखना है। तो ये चीजें ध्यान रख लीजिए, कैसे ट्रांसपोर्ट हो रही है और कौन कौन सी चीजें इफेक्ट कर रही है, टेम्परेचर जो है वो भी इसको इफेक्ट कर रहा है। चलिए नाउ कंडीशन कि कैसे ये ट्रांसपोर्ट होगा, अभी कंडीशन एल्वियोली पे और टिश्यू पे दोनों जगह पे हम डिस्कस करते हैं। मान लीजिए सबसे पहले एल्वियोली पे, एल्वियोली पे क्या है कंडीशन और टिश्यू पे क्या कंडीशन हो रही है, दोनों चीजों को डिस्कस कर लेते हैं। देखिए एल्वियोली जो है यहां पर क्या होता है कि ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर ज्यादा होता है, चूंकि ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर ज्यादा होगा यहां पे पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 क्या है कम होगा, पार्शियल प्रेशर कम होगा तो CO2 जो है वो क्या हो जाएगी, अभी वापस से हम ये बोल रहे हैं कि कम यहाँ पे पार्शियल प्रेशर जिसका कार्बन डाइऑक्साइड का यहाँ पे कहाँ पे एल्वियोली के अंदर कम है, ठीक है, और ऑक्सीजन का ज्यादा है, जबकि ब्लड के अंदर अगर हम देखेंगे तो ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर तो क्या है कम है, लेकिन यहां पर प्रोटोन की कंडीशन क्या है, इनकी प्रोटोन जो है वो ज्यादा है और कार्बोनेट आयन्स जो है वो भी क्या है यहां पर ज्यादा है। तो जब ये कंडीशन होती है तब उस टाइम पे क्या होगा, ऑक्सीजन जो है उसकी हीमोग्लोबिन के साथ में जुड़ने की कैपेसिटी क्या हो जाएगी, जुड़ बढ़ जाएगी, तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन जो है वो बनेगा, ठीक है। एंड देन इसी कंडीशन के अंदर ये क्या होगा, ट्रांसपोर्ट होगा कहां पर, टिश्यूज तक। जैसे टिश्यूज के अंदर आएंगे तो टिश्यूज के अंदर क्या कंडीशन होगी, टिश्यूज के अंदर तो क्या है CO2 का पार्शियल प्रेशर ज्यादा है, हाई है, पार्शियल प्रेशर ज्यादा है, और जबकि बाहर यहां पर ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर क्या है वो हाई है, ठीक है। तो बाहर हाई होने की वजह से ये ऑक्सीजन जो है ये डिसोशिएट क्यों हो रहा है, क्योंकि यहां पर बाहर जब ये CO2 जो है ये कार्बोनेट आयन जब बनाएगा तो यहां पे प्रोटॉन को रिलीज करेगा, तो प्रोटॉन की कंसंट्रेशन बढ़ेगी, कार्बोनेट आयन की कंसंट्रेशन बढ़ेगी, तो जब ये बढ़ेगी तो ऑक्सीजन जो है वो डिसोशिएट हो जाएगा हीमोग्लोबिन से और टिश्यूज को अवेलेबल हो जाएगा, और जो हीमोग्लोबिन यहां पे अलग हुआ है वो कार्बोनेट कार्बन डाइऑक्साइड जो है उसके साथ में जुड़ जाएगा और उसके साथ में क्या होगा, ट्रांसपोर्ट होगा। तो ये चीज आप ध्यान रखिए। तो यहां पर क्या हो रहा है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो तो एल्वियोली के अंदर जाती जा रही है, जब वो कार्बन डाइऑक्साइड एल्वियोली में जा रही है तो ये उल्टा हो रहा है प्रोसेस, कार्बोनेट आयन और प्रोटोन आयन वापस मिलकर क्या बना रहे हैं, वापस कार्बोनिक एसिड एंड देन कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर कन्वर्ट हो रहा है, प्रोसेस पूरा उल्टा हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड जो मिल रही है वो एल्वियोली के अंदर जाती जा रही है, राइट। तो प्रोटोन की कंसेंट्रेशन कम, कार्बोनेट आयन की कंसेंट्रेशन कम इसकी वजह से, और ऑक्सीजन की पार्शियल प्रेशर ज्यादा, इस वजह से ऑक्सी हीमोग्लोबिन जो है वो बनेगा और डिसोशिएट कब होगा, जब प्रोटॉन की कंसेंट्रेशन बढ़ेगी, कार्बोनेट की आयन की कंसेंट्रेशन बढ़ेगी और ऑक्सीजन की कंसेंट्रेशन घटेगी, पार्शियल प्रेशर घटेगा, तो उस टाइम पे क्या होगा, इनका डिसोशिएशन होगा। तो देखिए इसके लिए अगर हम कर्व बनाते हैं ऑक्सी हीमोग्लोबिन के डिसोशिएशन का, तो वो सिग्मोइड होता है, कैसे कि ऑक्सीजन का जब पार्शियल प्रेशर बढ़ता है तो क्या होता है, इसका ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनने का भी जो है ग्राफ वो भी क्या होता है, ऊपर की तरफ बढ़ता है, लेकिन जब ऑक्स वहां पे प्रेजेंट हीमोग्लोबिन पूरा का पूरा यूटिलाइज हो गया तो उसके बाद में पार्शियल प्रेशर कितना भी बढ़ा लो चाहे कुछ भी हो कंडीशन, ये तो कभी भी बढ़ेगा नहीं, ये तो क्या हो जाएगा, सीधा इधर मुड़ जाएगा, तो इस वजह से सिग्मोइड मिलता है। ये डिसोशिएशन कब होगा, हम ये बोलते हैं ना ये लेफ्ट या राइट घिसक जाता है, तो ये लेफ्ट एंड राइट कैसे घिसकेगा, तो देखिए राइट शिफ्ट कब हो जाता है, वो राइट शिफ्ट तब हो जाएगा जब पार्शियल प्रेशर जो है ना ऑक्सीजन का वो डिक्रीज होगा, ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर डिक्रीज होगा तो उसकी ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाने की कैपेसिटी भी क्या हो रही है, अभी कम हो रही है, और इस कंडीशन में क्या होगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो रहा है यहाँ पे बढ़ रहा है, ठीक है, पहली कंडीशन। दूसरा हाइड्रोजन प्रोटोन जो है उसकी कंसेंट्रेशन भी क्या हो रही है, बढ़ रही है, जबकि जो हमारा टेम्परेचर है उस टेम्परेचर जो है वो भी क्या हो रहा है हमारा बढ़ रहा है, ठीक है, टेम्परेचर भी बढ़ रहा है, तो इस कंडीशन में ऑक्सीजन जो है उसकी हीमोग्लोबिन के साथ में जुड़ने की कैपेसिटी जो है वो क्या हो रही है, एफिनिटी कम हो रही है, इस वजह से वो किधर शिफ्ट हो जाता है, वो राइट साइड में शिफ्ट हो जाता है। लेफ्ट कब शिफ्ट होगा, लेफ्ट शिफ्ट जब होगा जब इसके जस्ट अपोजिट कंडीशन रहेगी, तो उस साइड में क्या हो जाएगा, वो लेफ्ट शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये तीन चीजें हैं उनको आपको ध्यान में रखनी है। फिर आ जाती है कुछ डिसऑर्डर्स, डिसऑर्डर में आता है अस्थमा, एम्फाइसीमा एंड
ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर। तो सिंपल ये अस्थमा जो है वो तो इन्फ्लेमेशन हो जाता है हमारी ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्यूल्स के अंदर। अस्थमा जो है वो हम ये बोलते हैं कि हेरिडिटी भी है, कई बार जो है हम ये बोल देते हैं कि जेनेटिकली भी पेरेंट्स से जो है हमारी, हम ये बोलते हैं कि डेवलप हो जाता है कभी कभी प्रोजेनी के अंदर भी जो न्यू होती है। एम्फाइसीमा जो है ये हम ये बोलते हैं कि जो रेस्पिरेटरी वॉल्स जो होती है उनकी डैमेज होने से होता है, एक्चुअल में ये ज्यादा सिगरेट फूंकने से होता है, तो एम्फाइसीमा हो जाता है। ऑक्यूपेशनल यानी कोई ऐसा एनवायरमेंट जो एक पर्टिकुलर किसी का ऑक्यूपेशन है जहां पर डस्ट ज्यादा हो रही है तो उसकी वजह से जो है उन डस्ट पार्टिकल की वजह से पर्टिकुलर हमारी जो ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्यूल्स है उनमें इन्फ्लेमेशन हो रहा है, ब्रीदिंग में बहुत प्रॉब्लम आ जाती है। तो देखिए ये जो है ये आता है सिलिकोसिस, यानी कि कोई भी सिलिका ज्यादा जहां पर है तो उसके इंस्पिरेशन की वजह से जो है सिलिकोसिस हो जाता है। दूसरा होता है एस्बेस्टोसिस, जो कि ब्रीदिंग अगर हम कहते हैं एस्बेस्टोस जो पार्टिकल्स होते हैं उनको अगर हम रेस्पिरेशन के थ्रू गैसेस के थ्रू लेते हैं तो उसकी वजह से डिजीज हो जाता है। तो ये ऑक्यूपेशनल डिजीज है, यही तीन डिजीज है जो आपके एनसीईआरटी में मेंशन है, तो प्लीज आप इन तीन की तरफ ही कॉन्सेंट्रेट करिए और इतना ही बहुत है आपके रेस्पिरेशन के लिए। मेन इंपॉर्टेंट ऑक्सीजन एंड हीमोग्लोबिन के का जो डिसोसिएशन कर्व है वो सिग्मोइड होता है, इस पे क्वेश्चन आ जाता है कौन से फैक्टर इसको इफेक्ट करते हैं वो आ जाता है, तो ये चीज आपके दिमाग में क्लियर होनी चाहिए, ठीक है ना। क्योंकि ब्लड जब आएगा तो वो डिऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा, किसको, एल्वियोली को। तो जब वो डिऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा तो ऑब्वियसली बात है कि वो वहां पे जैसे उसको पार्शियल प्रेशर CO2 का क्योंकि ज्यादा होगा तो वो CO2 तो क्या है अपने कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट की तरह मूव करती है, तो वो बाइकार्बोनेट आयन हाइड्रोजन आयन जो है वो आपके वापस से उल्टा काम करने लगेंगे, कार्बोनिक एसिड बनेंगे एंड देन उससे वापस CO2 एंड वाटर बनेगा। तो CO2 एंड वाटर जो है वो कार्बोनिक एनहाइड्रेज वैसे दोनों तरफ दोनों डायरेक्शन में होने वाली रिएक्शन परफॉर्म करवाते हैं एंजाइम, तो वो कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम की वजह से वो CO2 बनेगा और वो CO2 एल्वियोली को सप्लाई हो जाएगी। अब ये प्रोसेस होने के चक्कर में होगा क्या, CO2 जो है क्योंकि उसकी कंसेंट्रेशन बड़ी वहां पे क्या हो रही थी, कम होती जा रही है, अब ब्लड के अंदर कम हो रही है उसकी कंसेंट्रेशन, एट द सेम टाइम कार्बोनेट आयन जो है या फिर वो जो प्रोटोन आयन है उनकी कंसेंट्रेशन भी कम हो रही है, उनकी कंसेंट्रेशन कम होने की वजह से क्या होगा, ऑक्सीजन की चूंकि कंसेंट्रेशन ज्यादा है एल्वियोली में तो वो एसोसिएट होगा और हीमोग्लोबिन के साथ में ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाएगा। टिश्यूज के पास में जाएंगे तो उल्टी कंडीशन है, टिश्यूज में जैसे जाएंगे तो टिश्यूज में CO2 ज्यादा है तो वो ज्यादा क्या करेगी, डिफ्यूज होगी किसके अंदर, आपके ब्लड में, जैसे वो ब्लड में आएगी तो वो कार्बोनेट आयंस और प्रोटॉन्स ज्यादा बनाएगी, तो जैसे ही प्रोटॉन की कंसेंट्रेशन बढ़ेगी एनवायरमेंट क्या हो जाएगा, एसिडिक हो जाएगा, पीएच गिरेगी ब्लड की, एट द सेम टाइम CO2 की कंसेंट्रेशन बढ़ रही है तो CO2 की कंसेंट्रेशन बढ़ने से तो ये ऑक्सीजन जो है वो क्या हो जाएगा, डिसोशिएट हो जाएगा हीमोग्लोबिन से और सप्लाई हो जाएगी ऑक्सीजन की किसको, टिश्यूज को हो जाएगी। तो ये आप ध्यान रखिए कि डिसोशिएशन किन कंडीशन में होता है और एसोसिएशन किन कंडीशन में होता है, तो ये दो चीजें हैं, अगर ये क्लियर कट पिक्चर दिमाग में बन जाती है तो इनसे रिलेटेड हर क्वेश्चन का आंसर आप कर सकते हो, ठीक है। तो ये हो गया आज के लिए इतना ही, और कुछ है फॉलो अप क्वेश्चन जो आप मुझे आंसर कर सकते हैं क्योंकि ये सारे के सारे एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस ही है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अगर आप लोग पढ़ेंगे इसको तो आप, अगर आपने पढ़ा होगा चैप्टर तो आप इसको आंसर इजी वे में कर पाएंगे। चलिए नाउ नेक्स्ट, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये सारे के सारे क्वेश्चंस जो है वो आपके एनसीईआरटी बेस्ड ही है और आई थॉट कि आप ये कर ही लेंगे। चलिए तो आज के लिए इतना ही और नेक्स्ट डे मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय।